अम्मा को लेकर पुलिस स्टेशन क्यों जा रही हो? क्योंकि लेकर नहीं जाऊंगी तो रोकूंगी कैसे? उन्हें किसी भी हाल में 5:30 बजे तक रोक कर रखना है, समझे? हाँ। पारुल, जल्दी करो, रास्ते में वकील साहब को भी लेना है। हाँ माँ, आ रही हूँ। कुछ बोला क्या? सर, मर्डर के बारे में कुछ नहीं बताया सर। बोलेगा, अब बोलेगा। तेरा बेटा है ना, अब से तेरा बेटा हमारे पास है। अब इस केस का जो भी सच है ना, चुपचाप से सारा बाहर निकाल दे, नहीं तो तेरे इस बेटे को ना किसी केस में फंसा करना लंबा अंदर करूंगा। पापू, बोल दो ना, क्यों हमारी जिंदगी खराब कर रहे हो? सुना, ये दवाई ले लो। ये नाटक करना बंद करो। अपना दर्द शेयर करने से कोई इंसान कमजोर नहीं बन जाता। अरुंधति, दर्द से रिश्ता तो मैंने कब का तोड़ दिया। बस तुम मुझे ये बताओ कि मैं यहां कैसे आया। ये उस दिन की बात है जब साहिल का बर्थडे था। माँ, गाड़ी तो खराब हो गई। अब इतनी सुनसान सड़क पर दूसरी कोई गाड़ी मिलेगी भी नहीं, तो इस रास्ते से आने की क्या जरूरत थी? अब क्या करेंगे? मैं देखती हूँ गाड़ी ठीक हुई कि नहीं। हाय हाय, भाभी क्या मस्त गाड़ी बंद कर दी है। ब्यूटीफुल। अब अम्मा 5:30 बजे तक पहुँच नहीं पाएगी पक्का। को हेल्प के लिए फोन कर रही है? हाँ? अरे यहाँ इतनी जल्दी कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आएगा। अजय, पिज्जा किसने ऑर्डर किया था? हाँ भैया, हम ही ने किया था। अरे वाह, किसी भी कोने में एम्बुलेंस ना पहुंचे, मगर पिज्जा वाले जरूर पहुंच जाते हैं। भैया, एक काम करो कि हमारा वो ऐसा है कि मोतीनगर पुलिस चौकी है ना, वहाँ हमें पहुँचना बहुत जरूरी है। क्या तुम हमें बैठा के पहुँचा दोगे? जी। रुको पद्मा, ये लो तुम लोग पिज्जा खाओ। माँ बड़ी चालाक निकली। अभी लो पिज्जा खाओ। मैं 9 साल का, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर हम झूठ बोल रहे होते तो हमें हरे राम के बारे में कैसे पता चलता? तो तुम्हारे साथ बचपन में जो भी गलत किया है, उसकी वजह से तुम्हारे दिल में डर बैठा हुआ था। उसी डर को निकालने के लिए हम तुम्हें उसके सामने ले आए। हमें डॉक्टर ने कहा था कि बस यही एक इलाज। पर मैं यहाँ पुलिस स्टेशन कैसे आ गया? हमें सिद्धांत लेकर आया क्योंकि उसे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब नाटक है। अब बोलता है, अंदर करूं उसको? नहीं, बताता हूं सर। गुड। अरुंधति का फोटो दिखाने के लिए पारुल मैडम ने मुझे पैसे दिए थे। अरुंधति मिसेस त्रिवेदी नहीं, पारुल मैडम मिसेस त्रिवेदी। इसका मतलब है कि अरुंधति गुनहगार नहीं है। थैंक यू बेटा। अगर आप नहीं होते ना, तो इस केस का सारा सच बाहर नहीं आता। लल्ला, लल्ला तुम ठीक तो हो ना? चिंता ना करना, हम वकील को अपने साथ लाए हैं तुम्हें छुड़ाने के लिए। छोड़ तो देंगे ये लोग मुझे, पर उससे पहले मुझे सिद्धांत का कुछ करना होगा। फोन दो। हेलो मिस्टर अवस्थी, दिस इज आरव त्रिवेदी स्पीकिंग। वो सिद्धांत कुमावत का ट्रांसफर नहीं हुआ ना, तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा, समझे? शायद मुझे कैलाशनाथ जी के खूनी का पता चल चुका है। कौन? मिस्टर सिद्धांत कुमावत। उससे पहले तुम ये फोन पर बात कर लो। Come on. हेलो सिद्धांत, तुम इस केस पर नहीं हो। लेकिन सर क्यों? सर मेरे हाथ अच्छे खासे सबूत लगे। नहीं सिद्धांत, जो भी है इस केस को कोई दूसरा ऑफिसर हैंडल कर लेगा, इसी में तुम्हारी भलाई। सर मेरी बात तो सुनिए आप एक बार। तुम अभी के अभी वहां से चले आओ, इट्स एन ऑर्डर। लेकिन मिस्टर सिद्धांत कुमावत, मैं तुम्हारे साथ और भी बुरा कर सकता हूं। मेरे घर या मेरे घर वालों के नजदीक भी मत आना, वरना अरुंधति बेटा, हम तुम्हारा कैसे धन्यवाद करें। तुमने आरव को बिल्कुल ठीक कर दिया, उसकी याददाश्त आ गई। तुम नहीं होती तो क्या होता। दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम मानते हैं कि इस घर में हम आरव से बदला लेने आए थे, लेकिन अब हमारे दिल में उसके लिए कोई रंजिश नहीं, सिर्फ प्यार। आरव की जिंदगी में हम वो जगह नहीं बना पाए जो हम बनाना चाहते थे, लेकिन अब हमने भी फैसला लिया है, जो आरव की खुशी है वही हमारी खुशी है। मतलब कहाँ जा रही हो? आरव हमें घर छोड़कर जा रहे हैं। शायद हमारा साथ बस यहीं तक का था।